यहाँ आते थे तो हक के साथ आते थे, अभी मतलब उतने हक के साथ नहीं आ पाएंगे ना। सर यहाँ बहुत अच्छा ये हो रहा है क्योंकि हम लोग आज से सुनो के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे काफी लगाव हो जाता है। आज भूगोल विभाग का फेयरवेल पार्टी है। आप लोग काफी उत्साहित दिखे, सहयोग से काम भी किया है। इतने दिनों का अनुभव आप लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बांटा होगा, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें भी आपने बनाई होंगी। उन्हीं के संदर्भ में आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब से आप विद्यालय में प्रवेश किए, महाविद्यालय में, तब से आज तक का कैसा अनुभव रहा और आज आपको कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुभव बहुत अच्छा था सर, लोगों के भी हो रहा है क्योंकि हम लोग आज से सुनो के कोई बात नहीं, थोड़ी सी वेदना तो होती है जब दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। इस बात की हकीकत तब पता चलती है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। ये बात सही है, वैसा दिख भी रहा है। ये इतनी भावनापूर्ण जो है, आप लोग तो अभी बहुत उत्साहित दिख रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। आप बस अब दो शब्द अपने सर के लिए कह दें या सर आप कुछ अपने बच्चों के लिए कहना चाहेंगे? अभी आप भी भावुक दिखे सर हमें। सर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे काफी लगाव हो जाता है और ये वास्तव में बच्चे बी ए फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में आ गए। 5 साल तक इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया, बहुत सारे शिक्षकों के ये सानिध्य में रहे, सबका मार्गदर्शन मिला और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जीवन में जहाँ कहीं भी रहें, इस महाविद्यालय से जाने के बाद यहाँ जो कुछ भी उन्होंने यहाँ सीखा है और जो समझा है अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से, अपने साथियों से, उसको जीवन में भी उतारने का प्रयास करें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनका आने वाला जो कल है वो काफ़ी उज्ज्वल हो और इनके उज्ज्वल भविष्य में कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। पहले सर हम लोग मतलब यहाँ आते थे तो हक के साथ आते थे, अभी मतलब उतने हक के साथ नहीं आ पाएंगे ना। कोई बात नहीं, हक आपका रहेगा। कुछ आप लोग कहना चाहेंगे, ऐसा कोई अनुभव रहा हो महाविद्यालय में जिसमें लगा हो कि हमें माँ बाप से ज्यादा प्यार यहाँ मिला? कुछ आपके जीवन में ऐसा कुछ वाकया कि जब आप महाविद्यालय आए, कॉलेज आए, तो लगा हो कि कोई अपना है, अपना कोई मिल गया है यहाँ, ऐसा कुछ, ऐसा कोई अनुभव रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने? कोई बात नहीं, सर ने भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अवश्य आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी।